शिट, देखना बाइक पूरी स्लिप हो गई पीछे, और बाइक निकाले कैसे? ओ बाइक हो रही है पूरी स्लिप, और पीछे टायर तो यार घूमने लग जा रहा है टायर। ये देख सकते हो आप, ये है कनक। देखो मक्की लगी हुई है, ये देखो कैसे लगी हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप लगी हुई है मक्की। गाइस आप ये वाला पेड़ देख सकते हो, ये प्लम्प का, ठीक है, और एप्पल का पेड़ देखो, ये देखो एप्पल लगा हुआ है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ का मौसम कितना ठंडा है, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो जम्मू में तो इस टाइम बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ठंडा है। और मैं देखो कौन सी ड्रेस पहन के आया हूँ, मैंने सोचा कि इधर भी गर्मी होगी, बट बैग में पड़ी हुई है, मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा मौसम है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और आगे पीछे का मौसम देखो कि कैसा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कितनी है, मतलब फॉग पड़ी हुई है, नीचे वाली साइड तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये मेरी सिस्टर हैं, हम दोनों बाइक ये वाली बाइक लेके आए हुए हैं, तो अभी हम नानी घर जा रहे थे, तो अभी पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ का मौसम देखा है, और ही मतलब बाइक चलाना मुश्किल हो गई है, इतनी मतलब पड़ गई है फॉग। तो नीचे वाली साइड देखो आप कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आप ये देख सकते हो कि ये बाइक गई है यहाँ पे, मतलब आगे दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से आगे मतलब इतनी फॉग पड़ी हुई है यहाँ पे, और ठंड लग रही है, तो ड्रेस मतलब हम सर्दियों वाली लेके नहीं आए हुए, और यहाँ पे इतनी फॉग है। गाइस आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और गाइस देखो यार कितना ठंडा मौसम है यहाँ का यार, ऐसा तो मतलब पत्नीटॉप वाली साइड भी नहीं मिलता, तो अभी मैं जस्ट थोड़े दिन पहले गया हुआ था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी है बट यहाँ पे यार उससे ठंडा मौसम है। अभी इसी मंथ में गया हुआ था पत्नीटॉप भी, तो यहाँ का मौसम तो ठीक है, यहाँ का भी उससे बेटर है ये, बट मेरी नानी घर का, मेरे घर भी मतलब रजौरी वाली साइड ही है बट जम्मू ही रहते हैं हम। यार देखो यार यहाँ में कितनी फॉग पड़ी हुई है, गर्म मौसम आ गया। हो गए यार मेरे, इतनी खतरनाक ठंडा, हाथ ठंडे हो गए, और मैंने ड्रेस देखो क्या पहन के आया हूँ, बैग मैंने आगे वाली साइड रखा हुआ अपना, हवा तेज चल रही है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। गाइस अभी आप देख सकते हो ये सिंगल रास्ता मेरी नानी के घर पर चल जाता है, तो यहाँ की लोकेशन देखो कितनी खतरनाक है, ये पहाड़ी है यहाँ की, और रास्ता भी सिंगल है, अभी वो 5-6 किलोमीटर रह गया है। देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, और नीचे वाली साइड देखो कहीं धूप कहीं छाया, इधर छाया वो साइड बाई साइड धूप है, और यहाँ पे शेर भी रहते हैं जंगली, तो यहाँ पे हरियाली देखो कितना अच्छा मौसम है, और लोकेशन देखो कितनी अच्छी है, ऊपर वाली साइड देखना वो पहाड़ी के ऊपर छोटी छिप गई है धूप फॉग में, यहाँ पे फॉग भी बड़ी पड़ रही है। गाइस देखो इधर की लोकेशन देखो, दूसरी साइड आ गया गाइस, अभी हम आए हैं उस साइड से, वो वाली पहाड़ियों से हम उस साइड से आए हैं जहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, हम उस वाले रास्ते से आए हैं, अभी उधर से लंबा फेर डाल के घूम के इधर से इधर ये रास्ता नीचे से जा रहा है, ऊपर वाली साइड देखो आप वहाँ की लोकेशन, कोहरा यहाँ पे, कोहरा। गाइस चलते चलते एक चीज़ देखिए मैंने आपको दिखाता हूँ, वो नीचे वाली साइड आप देख सकते हो, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर तो नहीं दिख रहा बट आप देख सकते हो,
कि जम्मू में तो मतलब लैब कहते हैं ऐसे डोगरी में, उसको कैसे लगाते हैं, इधर देखो कैसे लगाते हैं, दिख रहा होगा आपको ये वाली जगह, देखो इनको देखो, ये यहाँ से मेरे को ये दिखे अभी। चलो चलते हैं अब आगे, बारिश का मौसम है। तो आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हो यार, कितनी मस्त है। देखो मक्की लगी हुई है, ये देखो कैसे लगी हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप लगी हुई है मक्की। वो देखो कितनी हरियाली हरियाली यहाँ पे, देख सकते कितना घना जंगल है यहाँ पे, कभी कुछ यहाँ पे छाया है, मतलब वहाँ पे देखो कितनी फॉग पड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मतलब नहीं फॉग पड़ी हुई, वहाँ पे फॉग पड़ी हुई, आपको मैं धूप भी दिखाता हूँ जहाँ पे धूप पड़ी हुई है। अभी थोड़ा छाया देखना, इधर थोड़ी थोड़ी सी धूप है, देखो थोड़ा सा आप देख सकते हो। हाँ वहाँ वाली साइड देखो मतलब धूप चढ़ी हुई है, मतलब उस धूप है। तो देखो मतलब पहाड़ियों में ऐसा मौसम बनता ही रहता है, कहीं धूप कहीं छाया जी। तो अभी हम रह गए हैं थोड़ा सा, रह गया नानीगर, अभी है रास्ता कोई आधे घंटे का मतलब रास्ता है, ये सिंगल रास्ता है, मैं बाइक तेज नहीं चला रहा क्योंकि आगे से कोई आ भी सकता है, कोई गाड़ी आगे कुछ आगे, मैं बाइक तेज चला रहा हूँ, कहीं लग लो गई तो रिक्शे मतलब इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं बाइक। और यहाँ की लोकेशन बड़ी मस्त है यार, मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि हमने इधर आना तेरे साथ कहीं घूमने, मैं कहा चलो कोई नहीं। देखो गाइस यहाँ से फिर से ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, मतलब खतरनाक वाली, देखने में तो लग नहीं रहा कि खराब रास्ता है, बट ये रास्ता बड़ा ख़राब है, पूरी चढ़ाई है ऐसे, यहाँ से तो अभी ढलाई है, आगे चढ़ाई है। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पत्थरों से नीचे बाइक घिसानी पड़ रही है, अभी तो चलो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, बट ओए होए आगे देखो तो सही, पहले यहाँ से पैदल जाना पड़ता था। ऑफ रोडिंग होनी है आज खतरनाक वाली, एक बंदा वो बाइक पे चलता है बट मैंने सिस्टर बिठाई हुई है अपनी, अभी आगे पूरा ही रास्ता ख़राब है। यार अब आ गया, बाइक भी स्लिप मार रही है, चल मैं तो उतरना यार, यार देखो यार पूरा फट गई भाई। चल बैठ जा, ऊपर से बारिश भी आ गई इधर, यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा कब बारिश आ रही कब नहीं, बारिश भी आ गई ऊपर से। ये रास्ता अब नानीगढ़ तक ख़राब ही ख़राब है, क्योंकि ये अभी बना रास्ता, पहले हम यहाँ से पैदल जाते थे, मतलब ऐसे ही सिंगल रास्ते से जाना, पैदल जाना, और अब देखो ओए यार फिर से आ गया ख़राब रास्ता। चलो उतर जाऊँ दीदी, तो खतरनाक वाला है, साइड साइड आगे देख लिया पूरा खराब रास्ता कट गया, आगे तो देखो पीछे देखना पैर भी घूम जा रहा है। भाई पीछे टायर तो यार घूमने लग जा रहा है टायर, ओए खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है। ये मिट्टी है लाल वाली, ये यहाँ से हवा ही निकालेगा तो बाइक हो रही है पूरी स्लिप, चूज हो गया पूरा गंदा, हाय देखो चलो यार अब
दोनों पांव उठा लिए मैंने ऊपर। ओह देख मैं बाइक भी स्लिप हो गई, निकल गई पूरी बाइक यहाँ से, स्लिप हो गई पूरी। शूज भी गंदे हो गए पूरे। खतरनाक भाई, हाँ हेलो ये 3-4 किलोमीटर मेरे को लगता खराब रास्ता है पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखो बड़े बड़े खड्डे रास्ते के बीच में। चल बैठ बैठ, ये पहले गियर में ही चढ़ रही है, सीधी सीधी रास्ता सीधा बिल्कुल। गाइस बड़ा खतरनाक रास्ता है, मतलब जब का ये रास्ता बना मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस रास्ते से। ओ यार फर्स्ट टाइम राइड इन दिस वे है, कभी कभी याद है हम दोनों फर्स्ट टाइम इधर ट्रैवल कर रहे हैं इस रास्ते में। मेरे फोन की बैटरी भी मतलब लो ही है, और बाइक में भी एक प्रॉब्लम बन गई है, तीसरा गियर हो गया खराब, पता नहीं क्या अटक जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ यार आगे फिर से देखो, बैग पकड़े यार बैग पकड़े, चल खुद उतर जा यार। चल चल आगे आगे चल, मैं नहीं धीरे धीरे निकालता हूँ बाइक, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना कितना खतरनाक है, देखने में तो लग नहीं रहा होगा पर तो जैसे यहाँ से बाइक निकालनी पड़ रही है ना, और बाइक पूरी टूट जा रही है। चल चले चढ़ाई चढ़ा लूँ मैं, शूज हो गए पूरे गंदे, गाइस देखना बाइक की हालत, मेरे शूज देखो पूरे और बाइक देखो पूरी गंदी हो गई, देखो बाइक की हालत। गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने नानी घर के बिल्कुल सामने, और आप देख सकते हो कि एक मिनट ये पूरी पहाड़ी मतलब समझ लो ये वाली पूरी वो मेरी नानी घर है, ये रास्ता नीचे से अभी यहाँ तक ही बना भी, ये मेरा नानी घर, ये दोनों मतलब तीनों मेरे मामू घर है, सबसे छोटा मामू है ठीक है, वो उनसे बड़े हैं फिर वो बड़े ठीक है जैसे मेरे मामू, तो इधर वाली साइड भी ये जगह भी हम मेरे मामू ने किया मतलब नानू ने। अब हम पहुंच गए हैं, रह गया थोड़ा सा ही, फिर से पानी फिर से ये सब कुछ उतर। चल बैठ जल्दी, रास्ता देते भी हैं ये सर्दी करती सही। बाइक के शॉकर शुकर गए आज, वो उतर जा मैं गिरा कोई चक्कर नहीं, पर ये पूरी सीधी नीचे है जाना कैसे इधर से, हाय बिल्कुल सीधे 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 सीधे
सीधे सीधे फर्स्ट गेट में चढ़ना मुश्किल हो गई बाइक तो। पहाड़ी एरियो में तो पहुंच नहीं सकती मशीनें ऊपर तक, मतलब क्योंकि रास्ते नहीं होते या कुछ, यहाँ पे ये इससे मेरे को लगता है करते हैं। और बाद में देख लो, ये है कनक, ठीक है, ये देखो ये पहाड़ों की कनक। तो इधर ये भैंस, तो देखो ये यहाँ पे ये तरीका होता है, ठीक है, करने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते नहीं होते ना कुछ, तो यहाँ पे मतलब पहुँच भी नहीं सकते। रास्ता वो नीचे वाली साइड है वहाँ पे। तो देखो अभी मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ प्लम्प के, देख लो कितने लगे हुए हैं, हैवी मीठे मीठे।
पेड़ पे चढ़ा हुआ हूँ मैं। देखो इतनी ऊंचाई पे तो नहीं है, बट पहाड़ियों में पेड़ मतलब ऐसे थोड़ा नीचे वाली साइड लटके होते हैं। गाइस अभी हम अपनी नानी घर से निकल गए हैं, अभी बाइक के पास पहुंचने वाले हैं। जस्ट ये पीछे ही है घर, तो मतलब एक दिन रात को स्टे किया है क्योंकि सुबह मेरे को जाना है कहीं काम जम्मू में, तो इसलिए मैं आज जल्दी निकल गया। अभी बस जस्ट पहुंच गए रास्ते में, यहाँ से निकल गए हैं। अभी आगे थोड़ा रास्ता ख़राब है, उसके बाद फिर आगे थोड़ा और जोरी वाली साइड रास्ता ख़राब है। तो कल आए थे, कल इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मौसम भी थोड़ा बारिश वाला था और रास्ता भी बिल्कुल ख़राब ही था बिल्कुल। तो अभी यहाँ से हम निकल गए हैं नानी घर से। अब देख सकते हो ये पीछे पूरे नानी घर है मेरा, ये जगह जहाँ पे मैं ये रास्ता रूसा ये सब नानी घर की जगह है पूरी। अभी बस बाइक को स्टार्ट करेंगे, निकलेंगे यहाँ से, तो अभी देखते क्या बनता है। और गाइस बने रहे वीडियो में, और आपको मैं आगे की लोकेशन दिखाता हूँ और क्या क्या आगे देखने को मिलता और कुछ भी। अभी ऑफ रोडिंग होनी है मेरे को बड़ा ख़तरनाक वाली, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब है, तो क्योंकि रास्ता बन रहा है तो अभी देखते क्या बनता है। बने रहे वीडियो में, मिलते हैं फिर आगे से गाइस। तो अभी हम बाइक की हालत देखो मेरी कितनी गंदी हुई है, ये इतना रास्ता ख़राब है, मिट्टी मिट्टी लगी हुई है पूरी, टायर तो पूरे भर गए हैं, बिल्कुल देखो कितनी गंदी है ये, पूरी मिट्टी के साथ भरी हुई है। मतलब रात को मैं फिर से गया हुआ था तो इसकी हालत ही बुरी है। अभी बस जस्ट हम निकल रहे हैं यहाँ से, एक लड़के का वेट कर रहे हैं, वो कह रहा वो मैंने भी जाना साथ में, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये लोकेशन है पूरी, ये सामने वाली भी जगह तो नानून की है, ये सभी ये वाले घर गुर ये सब। पहले यहाँ से नीचे से हम पैदल आते थे, बिल नीचे से रास्ता दिख रहा होगा आपको बड़ा दूर से, वो उधर साइड से आते थे, अब रास्ता बन गया इधर से ये रास्ता आ रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक अभी तक जस्ट यहाँ पर पहुँचा हुआ, आगे बना नहीं हुआ। और गाइस अभी हम निकले हैं यहाँ से और बने रहिए वीडियो में। गाइस अभी इसको मैंने वॉशिंग पॉइंट पे लाया हुआ है, इसको धोना है। अभी रजौरी वाली साइड हूँ मैं, उसकी हालत देखो कितना गंदा हुआ है, इसको धोने के लिए लाया हुआ अभी मैंने। अभी रजौरी पहुँच गए हैं, घर के लिए निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। इसकी हालत देखो, मिट्टी से पूरा भरा हुआ। गाइस ये लोकेशन देखो आप, ये है डालीदार कहते हैं इस वैसे, ठीक है। ये अब जम्मू से कोई नॉर्मल 50 किलोमीटर आगे है रजौरी वाले रास्ते में है ये। आप लोकेशन देख चुके हैं कि खतरनाक पहाड़ी है, ये भी ठंडा मौसम है यहाँ पे, तो ठंडा मौसम है जम्मू का पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं रजौरी से आ रहा हूँ तो जम्मू का पता नहीं मौसम कैसा है। तो अभी हम नॉर्मल कोई मेरे को लगता है शाम के 6-7 बजने वाले हैं, घर पहुँचने तक अंधेरा हो जाएगा मेरे को लगता है। भाई देख लो कितनी खतरनाक जगह है ये पहाड़ी, लोगों को